तार दे जाते हैं माल ले जाने के लिए, और गिट्टी बराबर छिटक जाती है, किसी को लग जाता है या गाड़ी हम लोग का पंचर हो जाता है। हम लोग बहुत समस्या झेलते हैं इस सड़क से, हमेशा आने जाने का साधन लेकर आते जाते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं हम लोग। जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां शोक परेड की सलामी ली, वहीं शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया। लखनऊ की पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर सूबे के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मौके पर शहीद पुस्तिका को मंच स्थापित करने के साथ ही पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीदों को सलामी दी। साल 2011 के दौरान जहां पूरे देश में 566 पुलिसकर्मी शहीद हुए, वहीं यूपी में 135 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान निछावर की। अखिलेश ने स्मृति दिवस पर बोलते हुए कहा कि अपराध के नए तरीकों से पुलिस के सामने नई चुनौतियां आई हैं और उम्मीद है कि पुलिस बल इन चुनौतियों का बेहतर तरीके से निपटेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था के हालात खराब थे, जिन्हें बेहतर करना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आने वाला कुंभ इसी चुनौती का एक हिस्सा है। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस कर्मियों के लिए कई घोषणाएं भी की और ये भी कहा कि जनता को थाने स्तर पर कई शिकायतें मिल रही हैं, अगर सुधार नहीं हुआ तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। देहरादून में स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि आज के दिन पुलिस विभाग अपने उन जवानों की याद में स्मृति दिवस मनाता है जो साल भर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो जाते हैं। विजय बहुगुणा ने शहीदों को श्रद्धा सुमन चढ़ाए। सीएम बहुगुणा ने इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस के विकास के लिए पौष्टिक आहार भत्ता 850 रुपए सालाना से 1000 रुपए सालाना करने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही पुलिस कल्याण निधि को 1 करोड़ से 2 करोड़ और वहीं खेलकूद और व्यायाम के बजट को 1 करोड़ से 2 करोड़ करने का भी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने घोषणा की। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को सरेआम अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। भतीजे की शादी अभी 1 माह पहले ही हुई थी। मूल रूप से मुजफ्फरनगर निवासी गुलफाम और उसका छोटा भाई एहसान गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में रहते हैं और एक ईंट भट्टे में नौकरी करते थे। बीती देर रात एक बाइक पर सवार 3 बदमाश भट्टे पर पहुंचे और गुलफाम को आवाज देने लगे। बड़े भाई का नाम सुन एहसान जैसे ही घर से बाहर निकला, बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुन एहसान का भतीजा इमरान घर से बाहर निकला तो बदमाशों ने उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया। दोनों की बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुलफाम ने अपने ही कुछ रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि वो इस हत्याकांड के खुलासे के काफी करीब पहुंच चुकी है। पुलिस का ये भी दावा है कि हत्या के पीछे भतीजे इमरान की पत्नी का हाथ है। टीईटी पास बीएड बेरोजगारों ने आज इलाहाबाद के एलियरगंज सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तेलियरगंज से चुंगी चौराहे को घंटों जाम रखा, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप रहा। बाद लोगों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक राज्य सरकार उनकी नियुक्तियों को लेकर, जिससे उसका भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार इसमें पेच अड़ा रही है, इसके कारण उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही। उत्तराखंड सरकार ने स्टोन क्रशर संबंधित 2008 की नीति को जारी रखने के लिए फैसला लिया है। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण विचार करने को कहा था। प्रमुख सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि पहले बनाई गई पॉलिसी को जारी रखा जाए।
2008 से हमारी नीति चली आ रही है और इसी नीति के तहत सारे उद्योगों को हम बेनिफिट देते चले आ रहे हैं और आज भी उनको ये बेनिफिट मिल रहे हैं। और हमने क्योंकि स्टोन क्रशर को उद्योग घोषित कर रखा है तो उद्योग स्टोन क्रशर भी उसी नीति के तहत जो है बेनिफिट पाता है। तो जो लोग हाईकोर्ट में गए थे तो हाईकोर्ट ने हमको, माननीय उच्च न्यायालय ने हमको ये निर्देश दिए थे कि एक बार इस पॉलिसी को सरकार द्वारा रिविजिट करें। प्रमुख सचिव के मुताबिक राज्य में स्टोन क्रशर को उद्योग का दर्जा दिया गया है जिसके तहत जुड़ी इकाइयों को रियायतें दी जा रही है। एक तरफा इश्क के चक्कर में पीलीभीत के सोनगढ़ी थाना क्षेत्र के भिलैया गांव में एक मासूम लड़की बिमलेश का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। पप्पू नाम के हत्यारे आसिक ने बिमलेश को रेलवे लाइन के पास ले जाकर गन्ने के खेत में दरांती से दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और हत्यारे की तलाश में जुट गई। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि गांव के ही प्राइमरी स्कूल की कक्षा 5 की छात्रा बिमलेश से गांव के ही एक लड़के पप्पू ने 2 दिन पहले ही अपने इश्क का इजहार किया था जिसकी शिकायत बिमलेश ने अपने घर वालों से कर दी थी। देहरादून पुलिस का दावा है कि वरिष्ठ वकील ओपी सकलानी की पत्नी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अब भी 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक ये 5वां आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। इस दौरान इन आरोपियों ने घर की नौकरानी के साथ मारपीट की और इसके बाद किचन में रखे चाकू से पुष्पा सकलानी को मौत के घाट उतार दिया। इन आरोपियों में से एक आरोपी सकलानी के घर पर लंबे समय से बिजली का काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक बसंत इस हत्याकांड का मुख्य। बुंदेलखंड में अवैध खनन माफियाओं का लालच इतना बढ़ गया है कि वो अब कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जा जमाने में लगे हैं। झांसी के टहरोली तहसील इलाके में जब खनन माफियाओं ने कब्रिस्तान खोदा तब जमीन से कंकाल बाहर निकल आए जिससे स्थानीय लोग गुस्सा गए और जाम लगा दिया। लोगों ने टहरोली थाने का भी घेराव कर दिया। वहीं मामले की खबर मिलते ही जिले के 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका वारदात से एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर सीज कर दिए। पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदि शक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। मीठा मैजिक फ्रॉम पास पास, इट्स मीठा, इट्स मैजिक। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 260,000 रुपए प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। जल्द आ रहे हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम कुंडली में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। राम और कृष्ण की धरती देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को
सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी समृद्ध धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को, ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान, हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नवरात्रि की शुभ अवसर पर समाचार प्लस के साथ कीजिए आदि शक्ति के सभी रूपों की आराधना। जानिए नव दुर्गा के पूजन की विधि और अपने जीवन में लाइए सुख और समृद्धि। देखिए नवरात्र स्पेशल आदि शक्ति नव दुर्गा सुबह 6:30 और दोपहर 2:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। फिल्म निर्माता यश चोपड़ा का मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन, डेंगू से बीमार पड़ने पर अस्पताल में हुए थे भर्ती। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरी भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत ने किया ऐलान, फरुखाबाद में लाठी डंडों के साथ करेंगे प्रदर्शन। रुड़की में डेंगू के 29 मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी ने इलाके का दौरा कर जाना मरीजों का हाल। महोबा में जहरीला प्रसाद खाने से 300 लोग पड़े बीमार, सांसद और सीएमओ ने किया गांव का दौरा, इलाज के लिए भेजी स्पेशल टीम। कानपुर के चकेली इलाके में रबर की फैक्ट्री में भीषण आग, आग में लाखों का माल जलकर खाक। गाजियाबाद में आपसी रंजिश में 2 लोगों की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाचा भतीजे को मारी गोली। मेरठ में सौतेले पिता की करतूत, 8 साल की मासूम बेटी से बलात्कार की कोशिश के बाद की हत्या, घटना को अंजाम देकर आरोपी पिता फरार। वाराणसी में पति ने की बीवी को जिंदा जलाने की कोशिश, पति के दूसरी शादी करने पर जानकारी लेने गई थी महिला, पुलिस तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरनगर में पंचायत का फरमान न मानने पर दबंगों ने महिला को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती। और लखीमपुर में दिखी अंधविश्वास की खौफनाक तस्वीर, एक भक्त ने चढ़ाई देवी माता को अपनी जीभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज ही का वो दिन है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। देश पर मर मिटने वाले इस फौज का एक एक सदस्य देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए लड़ा। सुभाष चंद्र बोस की इस फौज पर पेश है हमारा एक खास कार्यक्रम नेताजी। इक्कीस अक्टूबर इतिहास का वो दिन है जिसे याद करके हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन 1943 में आजाद भारत की न सिर्फ अस्थायी सरकार बनाई बल्कि सरकार को जर्मनी जापान समेत कई देशों ने मान्यता भी दी। इतना ही नहीं, जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप पर भी इस सरकार को दिया। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज विश्व हिंद को शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज विश्व हिंद को शान हिंद आ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के खूनी संघर्ष से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, तो वहीं भारत देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। गुलामी की बेड़ियों से देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को भारत से मार भगाना आसान नहीं था,
इसी दौरान साल 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, लेकिन 1942